माध्यमिक विद्यालय साथियों के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रेमचंद जी के फटे जूते यानी प्रेमचंद के फटे जूते जो लेख पढ़ रहे हैं, इसके लेखक है हरी शंकर परसाई। इसका भाग दो पढ़ेंगे और यहाँ पर हरी शंकर परसाई जी ने जो निबंध लिखा है, जो व्यंग्य लिखा है, उसमें जो सामाजिक दिखावे की प्रवृत्ति लोगों की होती है, अवसर बाध्यता की प्रवृत्ति जो होती है लोगों की, उस पर व्यंग्य किया है। यहाँ पर इस लेख में परसाई जी ने यानी हरी शंकर परसाई जी ने दिखावे की प्रवृत्ति और अवसर बाध्यता पर इस लेख के माध्यम से व्यंग्य किया है। पहले भाग में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से लोग दिखावा करते हैं समाज में, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, मान सम्मान बनाए रखने के लिए। यानी कि प्रेमचंद जी के जूते फटे हुए हैं। एक दिन लेखक की मुलाकात प्रेमचंद जी से हो जाती है। प्रेमचंद जी और उनकी श्रीमती जी, उनकी पत्नी जो है, फोटो खिंचवाते हुए नजर आते हैं और प्रेमचंद जी का जो बायां पैर का एक जूता है फटा हुआ है और उनकी उंगली बाहर निकल रही है। परसाई जी यह सब देखकर सोचते हैं कि लोग कितना दिखावा करते हैं और कितने अवसरवादी होते हैं, कितना दिखावा करते हैं कि फोटो खिंचवाने के लिए दूसरे का कोट उधार मांग लेते हैं, जूते उधार ले लेते हैं और बारात भी निकाल लेते हैं। यहाँ तक कि फोटो खिंचवाते समय स्वयं इत्र लगा करके फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो से अच्छी खुशबू आए। लोग बीवी तक, दूसरे की पत्नी तक उधार मांग लेते हैं। ऐसे लोग, दिखावे की प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, वो अंदर से तो दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं और ऊपर अपनी कमजोरी को छिपाते हुए ऊपर से जो है प्रसन्न दिखाई देते हैं, दिखावा करते हैं। तो प्रेमचंद जी के माध्यम से ये बताया है इस व्यंग्य लेख के माध्यम से कि प्रेमचंद जी जैसे हैं वैसे ही, जैसे अंदर है वैसे ही बाहर है, यानी दिखावे की प्रवृत्ति उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। वो जैसे घर पर रहते हैं वैसे ही बाहर रहते हैं, यानी हर समय वो एक जैसी स्थिति में रहते हैं। यहाँ पर फटे जूते से अर्थ कष्टमय जीवन, अर्थात उनका जीवन चाहे कष्टमय हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां उनके सामने हो, उनका संघर्ष करते हैं और कष्टमय जीवन जीते हुए वो जीवन में आगे बढ़ते हैं, यानी कि दिखावा बिल्कुल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो दिखावे की प्रवृत्ति लोगों की होती है और जो अवसरवादी होते हैं, जो अवसर निकल जाने पर किस प्रकार से शोषण करते हैं लोगों का, सामान्य जनता का किस प्रकार शोषण, छुआछूत, किस प्रकार से जो है अन्याय करते हैं। तो यहाँ पर जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, समाज में जो बुराइयाँ व्याप्त है, उस पर इस लेख के माध्यम से प्रेमचंद जी के फटे जूते लेख के माध्यम से लेखक हरी शंकर परसाई ने व्यंग्य किया है। कल हमने जो पहला भाग पढ़ा उसमें ये पढ़ा था कि लोग किस प्रकार से दिखावे की प्रवृत्ति को अपनाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं तो कैसे दूसरे का कोट तक उधार मांग लेते हैं अच्छे दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, और जब वही लोग जो है ऐसे अंदर रहते हैं तो किस प्रकार से अपनी वास्तविक छिपा करके और दिखावा करते हैं और घर पे किस तरीके से वो लोग रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो समाज की जो सामाजिक बुराइयां है, छुआछूत है, जाति पाति है, शोषण है, अन्याय है, भ्रष्टाचार है, इनको लेखक ने अपने व्यंग्य लेखों के माध्यम से इन सामाजिक बुराइयों को उजागर किया है। यहाँ पर लेखक हरी शंकर परसाई को जनता का लेखक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लेखक है हरी शंकर परसाई, उन्होंने व्यक्ति और समाज की जो बुराइयां हैं
है सामान्य जनता का लेखक कहा जाता है। देखते हैं आगे, यहाँ पर फोटो खिंचवाने तक की तो बात हो गई थी और प्रेमचंद जी उनकी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा चुके थे। आगे देखते हैं, यानी दिखावे की प्रवृत्ति उनके अंदर बिल्कुल नहीं थी। सादा सरल जीवन था, वो जैसे थे वैसे ही, जैसे दिखते थे वैसे ही थे। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद को जो है यानी उनका मित्र है, तो कितनी दुखद बात है कि फोटो ही खिंचवाना था तो किसी से जूते मांग करके पहन लेते, और यह सब देख करके वो रोना चाहते हैं। लेकिन हरिशंकर परसाई को प्रेमचंद जी के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान नजर आती है। उसमें व्यंग्य छिपा हुआ है कि लोग जो है कैसे कैसा दिखावा करते हैं, ऐसा व्यंग्य उनके चेहरे पर छिपा हुआ है। लेखक कहते हैं कि तुम फोटो का महत्व नहीं जानते, इसी तरह इस तरीके से फोटो खिंचवा रहे हैं। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम के क्या मिलते होंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो टोपी शब्द आया है, आपके टोपी और जूता पर्दा, 3 शब्द है यहाँ पर, टोपी जूता और पर्दा। टोपी देखिए, टोपी का अर्थ यानी सम्मानित या गुणवान व्यक्ति का प्रतीक है। ये टोपी शब्द जो है सम्मानित या गुणवान व्यक्ति का प्रतीक है और मान सम्मान का प्रतीक भी इसे कह सकते हैं। दूसरा है जूता, ये तुच्छ प्राणी और धनवान लोगों का प्रतीक है। पर्दा करना ही पर्दा का अर्थ। देखते हैं, यानी टोपी, इसका समझिए पहले, टोपी जूता और पर्दा। टोपी जो है यानी जो गुणवान व्यक्ति होता है, जो सम्मानित व्यक्ति होता है, जो वास्तविक स्थिति में जीवन यापन करता है, हमें उसके गुणों को पहचानना चाहिए और उसे ही सम्मान मान सम्मान देना चाहिए। लेकिन टोपी से अधिक कीमती जूते को बताया है। यहाँ पर कद व्यक्ति के गुणों की नहीं होती, धनवान लोगों की होती है, इसीलिए यहाँ पर जूते को महंगा बताया है। जो तुच्छ प्राणी होते हैं, जो धनवान होते हैं, वो क्या करेंगे, गरीबों का शोषण करेंगे, भ्रष्टाचार में बोल फैलाते हैं, ऊंच नीच की छुआछूत की ऐसी भावनाएं होने के अंदर होती है। तो ऐसे लोग जो सम्मान करने योग्य है, जो गुणवान है, उन लोगों को महत्व नहीं दे करके और जो तुच्छ या धनवान लोग होते हैं उन्हें अधिक महत्व दिया जाता है, उन्हीं का ही मान सम्मान किया जाता है। पर्दा अर्थात लुकाओ छिपाओ, यहाँ पर इसका अर्थ है वास्तविकता को छिपाने की कोशिश करना, यानी लोग अंदर कैसे होते हैं बाहर कैसे होते हैं। तो यहाँ पर पर्दा जो है वो वास्तविकता को छिपाने का प्रतीक है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम नहीं मिलते थे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अर्थात आपने देखा कि टोपी का अर्थ है मान सम्मान, सम्मानित या गुणवान व्यक्ति से। तो यहाँ पर उसकी कद्र नहीं होती, समाज जो है दिखावा करता है, समाज के लोग दिखावा करते हैं और व्यक्ति के गुणों की कद्र नहीं होती, उन्हें मान सम्मान नहीं दिया जाता। लेकिन जो गुणवान होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, बलवान होते हैं, जो धनवान होते हैं, उन्हीं की कद्र की जाती है और वो गुणवान नहीं होते फिर भी उन तुच्छ प्राणियों को ही मान सम्मान दिया जाता है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई, यानी उनका मान सम्मान और अधिक होने लगा है। एक जूते पर 2500 टोपियां पूछा हो रहे हैं। जो व्यक्ति गुणवान होते हैं, जो सम्मान करने के योग्य होते हैं, वो भी
एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती है, यानी जिसकी लाठी उसी की भी है। जिसके पास पैसा है जो धनवान है, चाहे वो भगवान नहीं है फिर भी लोग उसी का मान सम्मान करते हैं, उसी की कद्र करते हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे, यह विडम्बना यानी दुर्भाग्य मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभा जितना आज चुभ रहा है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार यानी जो प्रेमचंद जी है उन्हें किनके नामों से पुकारा जाता है ध्यान दीजिएगा। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, ये इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि जो है जो बांग्ला पर कौन सी व्यंग्य मुस्कान थी, यानी माधो जो था उसकी पत्नी की
चेहरे पर मेरे भरी मुस्कान आ गई कि कितना अन्याय हो रहा है समाज में, देश में, कि पत्नी के लिए कफन लेने के लिए तक के पैसे नहीं थे, चंदा इकट्ठा किया और जो पैसे एकत्रित हुए उनकी माँ तो जो है शराब पी गया था। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया, यह मेरी जनता के लेकर। यहाँ पर जो है प्रेमचंद जी को जनता का लेखक कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जनता को लेकर के, समाज को लेकर के जो सामाजिक बुराइयां हैं उन्हें इन्होंने समाज के नजदीक रहे और समाज से संबंधित ही इन्होंने समाज की बुराइयों को उजागर करने से संबंधित ही इन्होंने जो है गरीब जनता को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए इन्होंने लेख लिखे हैं अपने लेख के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को और पाखंडों को, शोषण, अन्याय, जाति पाति इन सब का विरोध किया है, इसलिए इनको जनता का लेखक कहा जाता है। क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या बने के तगादे से बचने के लिए मील दो मील चक्कर लगाकर घर दौड़ते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, लेखक कहता है कि किस तरीके से तुम्हारा जूता फट गया है। घिस जाते हैं मोहम्मद दास का जूता भी, फतेहपुर सीकरी जाने आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ, उसने कहा, आवत जात कन्हैया घिस गई बिसर गयो हरि नाम। कन्हैया यानी जूते आने जाने में घिस गई और हरि इधर जो हरि का भजन था यानी ईश्वर की भक्ति थी वो भी नहीं कर पाया। यहाँ पर यह पंक्ति जो है कुमार दास के लिए कही गई और इसे मुलाकात देने वालों के लिए कहा था, जिनकी देखे दुख जते जिनको गर्भो परे सलाम, जिनके देखने से ही दुख प्रकट हो जाए, उत्पन्न हो जाए, उनको सलाम करना चाहिए। चलने से जूता घिसता है फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया? यानी लेखक जो है अपने मित्र प्रेमचंद जी से कहते हैं, मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, यानी किसी कठोर चीज को ठोकर मारी होगी इसलिए तुम्हारा जूता फट गया। कहने का भाव यह है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठोकर मारना मतलब यह नहीं है कि पहाड़ को ठोकर मारी हो उन्होंने, ऐसा नहीं है। यानी बड़ी बड़ी जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनका संघर्ष किया, शोषण का, अन्याय का, सामाजिक बुराइयों का, इन सब का, कुरीतियों का, जो रूढ़ियां हैं इन सब का उन्होंने विरोध किया है, इन बुराइयों को उजागर किया है, इसीलिए संघर्ष करते करते उनका जीवन ही कष्टमय हो गया, कष्टों में बीता है। इसलिए कहा है कि तुमने किसी सख्त चीज को ठोकर मारी होगी। यहाँ पर सख्त चीज से मतलब यही है, सामाजिक बुराइयों से, शोषण से, अन्याय से, इन सब का विरोध करने से ही। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ दिया, अर्थात उनसे बच करके नहीं निकले, समझौता नहीं किया सामाजिक बुराइयों से। प्रेमचंद जी ने समझौता नहीं किया, उनसे बच करके नहीं निकले, उनका सामाजिक बुराइयों को उजागर किया, उनका विरोध करते रहे, संघर्ष करते रहे, इसीलिए कष्ट में जीवन जीते रहे। कोई किला तो रास्ते पर खड़ा हो गया था पर तुमने अपना जूता आजमाया। देखिए यहाँ पर किला शब्द आया है, इसका अर्थ समझिएगा। जो किला शब्द है इसका प्रयोग शोषण, अन्याय, छुआछूत आदि बुराइयों के लिए हुआ है। यानी समाज में जो भी सामाजिक बुराइयां हैं, देश में जो भी सामाजिक बुराइयां व्याप्त है और जैसे भ्रष्टाचार, शोषण, अन्याय जो भी है, इन सब का, इन सब के लिए किला शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी इनसे किलों से समझौता भी तो हो जाता है, यानी ये जो किला है इससे समझौता भी, यानी इनसे समझौता भी कर सकते थे, इनसे बचकर भी निकल सकते थे। तो यहाँ पर कहने का भाव यह है कि जैसे मान लीजिए कोई नदी निकल रही है और रास्ते में कोई टीला है, तो ऐसा नहीं है कि वो नदी उस टीले को
तू। कहने का भाव यह है कि तुमने जीवन भर संघर्ष करते करते इनका विरोध करते करते सामाजिक बुराइयों से संघर्ष करते करते तुमने जीवन व्यतीत कर दिया, अपना जीवन ही कष्टमय बना लिया। मैं समझता हूँ तुम्हारे मुनि का इशारा भी समझता हूँ, ये व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। यहाँ पर व्यंग्य मुस्कान कैसे, जैसे कि देश में अन्याय होते देख करके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई, जैसे माधो जो है चंदे के पैसे से शराब पी गया था। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलवारी से जा रहे हैं, यानी जो वास्तविक स्थिति को छिपा करके रख रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं, जो टीले को बचाकर अर्थात इन सब बुराइयों से बच करके सामाजिक रूढ़ियों सामाजिक परंपराओं बुराइयों से बच करके जो बाजू से निकल जाते हैं यानी पास से साइड से निकल जाते हैं, तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई, पांव बच रहा है और चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तजुर्बे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे, तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से कष्ट में हो चुका है, अब तुम जीवन में सुख प्राप्त कैसे कर सकते हो। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात को समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। कौन कह रहे हैं, लेखक हरिशंकर परसाई, किसके लिए, प्रेमचंद जी के लिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ये व्यंग्य लेख है दिखावे की प्रवृत्ति करने वाले और जो अवसरवादी लोग होते हैं उन पर किस प्रकार से लेखक ने यहाँ पर फटे हुए जूतों के माध्यम से व्यंग्य किया है। और ये जो पाठ है हमारा एक पर समाप्त होता है, यहाँ इस पाठ के माध्यम से जो सामाजिक बुराइयां हैं जिसमें शोषण भ्रष्टाचार छुआछूत ऊंच नीच की भावना अन्याय, इन सभी बुराइयों को इस लेख के माध्यम से उजागर किया है और बताया है कि लोग किस प्रकार से वास्तविकता को छिपाते हैं और अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं लेकिन अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं वास्तविकता को छिपाते हैं। प्रेमचंद जी जैसे वैसे दिखते हैं, उनका जीवन कष्ट में रहा और जीवन में संघर्ष करते हुए और बुराइयों का सामना करते हुए उनको बुराइयों को खत्म करने के लिए जो प्रयास किए हैं उनमें ही उन्होंने कष्ट में जीवन व्यतीत किया है। ये हमारा जो पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते समाप्त होता है और आगे हम नेक्स्ट जो भी पढ़ेंगे। आज की क्लास ही समाप्त होती है। धन्यवाद।